लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा के ग्यारहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पूर्ण प्रातःकाल और दिनों से आध घंटा पहले उठी उसने दबे पांव सुमित्रा के कमरे में कदम रखा वो देखना चाहती थी कि सुमित्रा सोती है या जागती शायद वो उसकी सूरत देखकर निश्चय करना चाहती थी कि उसे रात की घटना की कुछ खबर है अथवा तो नहीं सुमित्रा चारपाई पर पड़ी कुछ सोच रही थी पूर्णा को देखकर मुस्कुरा पड़ी मुस्कुराने की क्या बात थी ये तो वो जाने पर पूर्णा का कलेजा सन्न से हो गया चेहरे का रंग उड़ गया भगवान कहीं इसने देख तो नहीं लिया सुमित्रा ने उठकर उलझे केशों को संभालते हुए कहा आज इतने सवेरे कैसे जाग गई बहन प्रश्न बिल्कुल साधारण था किंतु पूर्णा को ऐसा जान पड़ा कि उस मुख्य विषय की भूमिका है इतने सवेरे जाग जाना ऐसा लालछन था जिसे स्वीकार करने में किसी भयंकर बाधा की शंका हुई बोली क्या बहुत सवेरा है रोज ही की बेला तो है सुमित्रा नहीं बहन आज बहुत सवेरा है तुम्हें रात को नींद नहीं आई क्या आंखें लाल हो रही हैं पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा यह दूसरा और पहले से भी बड़ा लाछन था इसे वो कैसे स्वीकार कर सकती थी बोली नहीं बहन तुम्हें भ्रम हो रहा है रात बहुत सोई एक ही नींद में भोर हो गया बहुत सो जाने से भी आंखें लाल हो जाती हैं सुमित्रा ने हंसकर कहा होती होंगी मुझे नहीं मालूम था पूर्णा ने जोर देकर कहा वाह इतनी बात तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें अलबत्ता नींद नहीं आई क्या सारी रात जागती रही सुमित्रा मेरी बला जागे जिसे हजार बार गरज होगी आएगा यहां ऐसी क्या पड़ी है वो राजी ही रहते थे तो कौन सा स्वर्ग मिल जाता था तब तो और भी जलाते थे यहां तो भाग में रोने के सिवा और कुछ लिखा ही नहीं पूर्णा तुम तो व्यर्थ का मान किए बैठी हो बहन एक बार चली क्यों नहीं जाती सुमित्रा की जी में आया कि रात की कथा कह सुनाए पर संकोच ने जबान बंद कर दी बोली ये तो ना होगा बहन चाहे सारा जीवन इसी तरह कट जाए मेरा कोई अपराध हो तो मैं जाकर मनाऊ अन्याय वो करें मनाने में जाऊं ये नहीं हो सकता ये कहते कहते उसे रात का अपमान याद आ गया वो घंटों द्वार पर खड़ी थी वो जागते थे अवश्य जागते थे फिर भी केवाड़ न खोले त्योरिया चढ़ाकर बोली फिर क्यों मनाने जाऊं मैं किसी का कुछ नहीं जानती चाहे एक खर्च किया चाहे सौ मेरे बाप ने दिए और अब भी देते जाते हैं इनके घर में पड़ी हूं इतना गुनाह अलबत्ता किया है आखिर पुरुष अपनी स्त्री पर क्यों इतना रोप जमाता है बहन कुछ तुम्हारी समझ में आता है पूर्णा ने रहस्यमय भाव से कहा क्या यह आज नई बात है पुरुष ने सदैव स्त्री की रक्षा की है फिर रौब क्यों न जमाए सुमित्रा रक्षा की है तो अपने स्वार्थ से कुछ इसलिए नहीं कि स्त्रियों के प्रति उनके भाव बड़े उदार हैं अपनी जायदाद के लिए संतान की जरूरत न होती तो कोई स्त्री की बात भी न पूछता जो स्त्रियां बांझ रह जाती हैं उनकी कितनी दुर्दशा होती है रोज ही देखती हो हां लंपटों की बात छोड़ो वैश्य पर प्राण देते हैं पूर्ण मैं तो ऐसी कई औरतों को जानती हूं जो पुरुषों ही पर रौब जमाते हैं ये क्यों सुमित्रा वो निकम्मे पुरुष होंगे पूर्ण नहीं बहन वो निकम्मे नहीं सौ कमाऊओं में से कमाऊ एक नहीं दस पांच तो अपने मोहल्ले में ही गिनवा दू और बाहर कहा जाऊं मेरे ही मामा थे जो मामी जी की आज्ञा के बिना द्वार से टलते न थे यहां तक कि एक बार कचहरी का सम्मान आया तो अंदर जाकर पूछने लगे अरे सुनती हो कचहरी का सम्मान आया है जाए कि न जाए सुमित्रा अगर तुम्हारी मामी मना कर देती तो न जाते पूर्णा मैं तो समझती हूँ न जाते चपरासी जबरदस्ती पकड़ ले जाता सुमित्रा तो तुम्हारी मामी धनी घर की बेटी होंगी पूर्णा कैसा धनी घर मोर लाई गई थी मामाजी की पहली स्त्री मर गई तो ये उन्हें मोल लाए थे सुमित्रा क्या कहती हो बहन कहीं औरतें बिकती हैं पूर्णा औरतें और मर्द दोनों बिकते हैं लड़की का बाप कुछ लेकर लड़की ब्याहे और लड़के का बाप कुछ लेकर लड़का ब्याहे बेचना नहीं तो और क्या है मगर लड़के वालों के लिए लेना कोई नई बात नहीं है लड़की का बाप यदि कुछ लेकर लड़की दे तो निंदा की बात है इसकी प्रथा नहीं है सुमित्रा मजा तो तभी आए जब लड़की वाले भी लड़कियों का दहेज लेने लगे बिना भरपूर दहेज लिए विवाह ही न करें पुरुषों के होश ठिकाने हो जाए मेरा तो अगर बाबूजी विवाह न करते तो मुझे कभी इसका ख्याल भी ना आता मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि लड़की वालों को ही लड़की ब्याहने की इतनी गरज क्यों होती है पूर्णा, तुम बहन बच्चों की सी बातें करती हो लड़कियों के विवाह में साल दो साल का विलंब हो जाता है तो चारों ओर हंसी होने लगती है लड़कों का विवाह कभी ना हो तो भी कोई नहीं हंसता लोक भी कोई चीज है सुमित्रा अंग्रेजों में बहुत सी औरतें कुरी रह जाती हैं तो क्या होता है क्या वे भ्रष्ट होती हैं पूर्णा किसी के दिल का हाल कोई क्या जानता है बहन औरतें अबला होती हैं एक रक्षक के बिना उसका जीवन सुख शांति से नहीं कट सकता सुमित्रा तो फिर ये मिसें कुरी कैसे रह जाती हैं पूर्णा इसलिए कि वो जीवन को विलास पूर्वक काटना चाहती हैं या संतान के लालन पालन का कष्ट नहीं उठाना चाहती या किसी से दबकर ना रहना चाहती होंगी सुमित्रा अच्छा तुम्हारे मामा जी स्त्री से क्यों दबते थे बड़े दुबले पतले मरियल से आदमी थे और तुम्हारी मामी जी भारी भरकम स्त्री थी पूर्ण अरे नहीं बहन मामी जी तो ऐसी दुबली पतली थी कि फूक दो तो उड़ जाए और मामा जी तो पूरे भीम थे पक्की सवा शेर तो उनकी खुराक थी मगर मामी की आंखों के इशारे पर चलते थे क्या मजाल की अपनी मर्जी से एक कौड़ी भी खर्च करें दिन भर के बाद भी जजमानी से लौटते तो खाना घर ही पर खाते सुमित्रा तो वो निर्बुद्धि होंगे पूर्ण तो बस उसी तरह पुरुष भी उन्हीं स्त्रियों पर रौब जमा लेते हैं जो निर्बुद्धि होती हैं। चतुर स्त्री पर पुरुष रौब नहीं जमा सकते न चतुर पुरुष पर स्त्री ही रौब जमा सकती है दो में जिसकी बुद्धि तीव्र होगी उसकी चलेगी सुमित्रा मैं तो मूर्खों को भी स्त्रियों को डांटती डपटती देखती हूं पूर्ण ये तो संसार की प्रथा ही है बहन मर्द स्त्री से बल में बुद्धि में पौरुष में अक्सर बढ़कर होता है इसीलिए उसकी हुकूमत है जहां पुरुष के बदले स्त्री में यही गुण है वहां स्त्रियों की ही चलती है मर्द कमाकर खिलाता है क्या रौब जमाने से भी जाए सुमित्रा बस बस तुमने लाख रुपए की बात कह दी यही मैं समझती हूं कि बेचारी औरत कमा नहीं सकती इसीलिए उसकी ये दुर्गति है लेकिन मैं कहती हूं अगर मर्द अपने परिवार भर को खिला सकता है तो स्त्री अपनी कमाई से अपना पेट भी नहीं भर सकती पूर्णा लेकिन प्रश्न तो रक्षा का है उनकी रक्षा कौन करेगा सुमित्रा रक्षा कैसी क्या उन्हें कोई खा जाएगा लूट लेगा पूर्णा लमपटों के मारे उनका रहना कठिन हो जाएगा सुमित्रा जब ऐसी कई स्त्रियां मिलकर रहेंगी तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हर एक स्त्री अपने पास तेज छुरा रखे अगर कोई पुरुष उन्हें छेड़े तो जान पर खेल जाए छुरी भोंक दे ऐसी दस बीस घटनाएं हो जाएंगी तो मर्दों की नानी मर जाएगी फिर कोई स्त्री की ओर आंख भी ना उठा सकेगा पूर्णा ने गंभीर भाव से कहा समय आएगा तो वो भी हो जाएगा बहन अभी तो स्त्री की रक्षा मर्द ही करता है सुमित्रा हमी ने मर्दों की खुशामद करके उन्हें सिर चढ़ा दिया है पूर्णा ये सारी बातें तभी तक हैं जब तक पतिदेव रूठे हुए हैं अभी आकर गले लगा ले तो तुम पैर चूमने लगोगी सुमित्रा कौन मैं मैंने हमेशा फटकार बतलाई है तभी तो मुझसे लाला की कोर दबती है वो एक एक कौड़ी दांतों से पकड़ते हैं और मुझसे जो कुछ खर्च करते बनता है करती हूं उनसे मांगती नहीं इस पर और भी जलते हैं आज ही गंगा स्नान करने जाऊंगी ये मानी हुई बात है कि घर की बग्घी ना मिलेगी वो मेरे लिए खाली नहीं रहती किराए की बग्घी पर जाऊंगी चार रुपये से कम ना खर्च होंगे देखना कैसे जामे से बाहर होते हैं इतने में कहार ने आकर कहा बहूजी बाबूजी ने रेशमी अचकन मांगी है सुमित्रा ने तिनक कर कहा जाकर कह दे जहां रखी हो ढूंढ कर ले जाए यहां कोई उनकी लौंडी नहीं है बाहर बैठे बैठे नवाबों की तरह हुक्म जमाने चले हैं कहार ने हाथ जोड़कर कहा सरकार निकाल के दे दे, नहीं हमार कुंदी होए लगी चमड़ी उधेड़ रहे सुमित्रा तेरी तकदीर में लात खाना लिखा है जाकर तू लात खा तू तो मर्द है क्या तुझे भी और कहीं काम नहीं मिलता कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा बहन क्यों रार बढ़ाती हो ला मुझे कुंजी दे दो मैं निकाल कर दे दू उनका क्रोध जानती हो सुमित्रा यह किसी की धौस सुनने वाली नहीं सौ दफे गरज हो आकर अपनी अचकन ले जाए मुझे कोई तनख्वाही नहीं देते कहार ने लौट कर कहा सरकार कहते हैं कि अचकन लोहे वाली संदूक में धरी है सुमित्रा तूने कहा नहीं कि जाकर निकाल लो क्या इतना कहते जीव गिरी जाती है कहार ये तो हम नहीं कहा सरकार आप दोनों परानी छिन भरमा इक्का हुई है बीच में हमार कुटमस हुई जाए सुमित्रा अच्छा तो यहां से भाग जा नहीं पहले मैं ही पीटूंगी कहार मुंह लगा था बोला सरकार का जितना मारे का हो मार ले मुदा बाबूजी से ना पिटावे अस घूसा मारा थे सरकार की कोस भर ले धमाका सुनात है सुमित्रा को हंसी आ गई हंसती हुई बोली तू भी तो इसी तरह अपनी मेहरिया को पीटता है ये उसी का धंध है कहा अरे सरकार जो ये होता का पूछे कर रहा मेहरिया असगुन की पूरी मिली है कि बात पीछू करत है झाड़ू पहले चलावत है जो सरकार सुन भर पावे कि कौन दूसरी मोहरिया से हंसत रहा तो खड़े लील जाए सरकार खड़े लील जाए थर थर कांपित है बहू जी से तौर तो इतना नहीं डराई थे सुमित्रा तो तू जन्म का लतखोर है भाग जाकर कह दे अपनी अचकन ले जाए क्या पैर में मेहंदी लगी है ये जरूर कहना कहार जाई थे सरकार आज भले का मुंह नहीं देखा जान थे। कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा सखी तुम छेड़ छेड़ लड़ती हो मैं तो यहां से भागी जाती हूं सुमित्रा ने उसका आंचल पकड़ लिया भागती कहा हो जरा तमाशा देखो क्या शेर हैं जो खा जाएंगे पूर्णा क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है बहन कहीं कोई कुवचन कह बैठे तो सुमित्रा कुवचन कह बैठेंगे तो कुवचन सुनेंगे पूर्णा और जो हाथ चला दिया सुमित्रा हाथ क्या चला देंगे कोई हसी है फिर सूरत न देखूंगी कमला प्रसाद के खड़ाव की आहट सुनाई दी पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा और सुमित्रा भी एक क्षण के लिए सिर पिटासी गई पर शीघ्र ही वो संभल बैठी और इस भांति सतर्क हो गई जैसे कोई फिकैत वादी की चोट रोकता है कमला प्रसाद ने कमरे में कदम रखते ही कठोर स्वर में कहा बैठी गप्पे लड़ा रही हो जरा सी अचकन मांग भेजी तो उठते न बना बाप से कहा होता किसी करोड़पति सेठ के घर ब्याहते आहते यहां का हाल तो जानते थे सुमित्रा ने तड़प कर कहा बाप दादे का नाम ना लेना कहे देती हूं वो चारपाई पर कुंजी पड़ी है और वो सामने संदूक है अचकन लो और बाहर जाओ यहां कोई तुम्हारी लौंडी नहीं है जब अपनी कमाई खिलाना तब डांट लेना बाप ये नहीं जानते थे कि वो ठाट बाट बाहर ही बाहर है कमला प्रसाद तुम तो बड़ी समझदार थी तुम्हें ना पता लगा लिया होता सुमित्रा झगड़ा करना चाहते हो या आजकल लेकर बाहर जाना चाहते हो कमला प्रसाद नहीं झगड़ा करना चाहता हूं सुमित्रा अच्छी बात है वैसा सुनोगे कमला प्रसाद मेरी अचकन निकालती हो या नहीं सुमित्रा अगर भल मनसी से कहते हो तो हां रोब से कहते हो तो नहीं कमला प्रसाद मैं तो रोब से ही कहता हूं सुमित्रा तो निकाल लो कमला प्रसाद तुम्हें निकालना पड़ेगा सुमित्रा मैं नहीं निकालती कमला प्रसाद अनर्थ हो जाएगा सुमित्रा अनर्थ हो जाएगा कहे देता हूं सुमित्रा जो कुछ जी में आए कर लेना बाल बराबर परवाह नहीं है कमला प्रसाद तुम अपने घर चली जाओ सुमित्रा मेरा घर यही है यहां से और कहीं नहीं जा सकती कमला प्रसाद लखपति बाप का घर तो है सुमित्रा बाप का घर घर जब था तब था तब अब यही है मैं अदालत से लड़कर पांच सौ रुपए महीना ले लूंगी लाला इस फेर में न रहना पैर की जूती नहीं होगी नई थी तो पहना पुरानी हो गई तो निकाल फेंका ऐसा तुर्की बतुर की जवाब आज तक कमला प्रसाद ने कभी ना पाया था उसके तर्कश में पहने से पहने जो तीर थे सब उसने आज छोड़ दिए घर से निकल जाने की धमकी दी पर सुमित्रा पर कुछ भी असर न हुआ अब वो क्या करे पुरुष पर स्त्री का कितना नाम मात्र का अधिकार है ये आज उसे मालूम हुआ। वो सुमित्रा को मार नहीं सकता घर से निकाल नहीं सकता अधिक से अधिक यही कर सकता है कि उसकी सूरत न देखे और इसकी सुमित्रा को कोई चिंता नहीं जान पड़ती थी अब विवश होकर उसे दुहाई देना पड़ा निर्बलों का तो यही अस्त्र है पूर्णा से बोला देखती हो पूर्णा इनकी बात है मैं जितना ही तरह देता हूं उतना ही ये शेर हुई जाती है पूर्णा आप समझदार होकर जब कुछ नहीं समझते तो उन्हें क्या कहूं सुमित्रा ने ऐठ कर कहा बहन मुंह देखे की सनद नहीं कहे कि ये बड़े समझदार बन गए और मैं बेसमझ हो गई इसी मूछ से जो आदमी मुझ जैसी भोली भाली स्त्री को आज तक अपनी मुट्ठी में न कर सका वो समझदार नहीं मूर्ख भी नहीं बैल है आखिर मैं क्यों इनकी धौंस हूं जो दस बातें प्यार की करे उसकी एक धौस भी सह ली जाती जिसकी तलवार सदा म्यान से बाहर रहती हो उसकी कोई कहां तक सहे कमला प्रसाद कहे देता हूं सुमित्रा रो रो कर दिन काटोगे सुमित्रा मेरी बला रोए हां तुम रोगे कमला प्रसाद मैं अपनी सौ शादियां कर सकता हूं सुमित्रा तिलमिला उठी इस चोट का वो इतना ही कठोर उत्तर न दे सकती थी वो कह न सकती थी कि मैं भी हजार शादियां कर सकती हूं तिरस्कार से भरे हुए स्वर में बोली जो पुरुष एक को न रख सका वो सौ को क्या रखेगा हाँ चकला बसाए तो दूसरी बात है कमला प्रसाद परास्त हो गया जिसकी नाक पर मक्खी न बैठने पाती थी उसे एक अबला ने परास्त कर दिया कोई शब्द उसके मुंह से निकला रक्तमय आंखों से एक बार सुमित्रा की ओर देखकर उल्टे पांव चला गया दो तीन मिनट तक दोनों महिलाएं मौन रही दोनों ही अपने अपने ढंग पर इस संग्राम की विवेचना कर रही थी सुमित्रा विजय गर्भ से फूली हुई थी उसकी आत्मा उसका भी तिरस्कार नहीं कर रही थी उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था किंतु पूर्णा के विचार में सारा दोष सुमित्रा के ही सिर था जरा उठकर अचकर निकाल देती तो इस ठाए ठाए की नौबत ही क्यों आती औरत को मर्द के मुंह लगना शोभा नहीं देता ना जाने इनके मुंह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले पत्थर का कलेजा है बेचारे कमला प्रसाद बाबू तो जैसे ठगे रह गए ऐसी औरत की अगर मर्द बात न पूछे तो गिला कैसा सहसा सुमित्रा बोली बहुत ता कर गए मेरा क्या कर लेंगे अब सीधे हो जाएंगे देख लेना ऐसे मर्दों की यही दवा है तुम्हारा मैंने बड़ा लिहाज किया नहीं तो ऐसा ऐसा सुनाती कि कान के कीड़े मर जाते पूना सुनाने में तो तुमने कोई बात उठा नहीं रखी बहन दूसरा मर्द होता तो जाने क्या करता सुमित्रा जो कहेगा वो सुनेगा ही हजार बार सुनेगा दबे वो जो किसी का दिया खाती हो मैं तो अपने बाप से कभी नहीं दबी इनको मैं क्या जानती हूं सौ सौ शादियां करने की बात कहते हुए भी जिन्हें लज्जा ना आए वो भी कोई आदमी है पूर्णा बहन और दिनों की तो मैं नहीं चलाती पर आज तुम्हारी ही हठधर्मी थी सुमित्रा अच्छा जले पर नमक न छिड़को सखी जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है पूर्णा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही बहन मुझ पर ना हक बिगड़ती हो सुमित्रा सारा दोष सिर मड़ रही हो और क्या लाठियों से मारोगी औरत निर्बल होती है उसे उपदेश देने वाले बहुत होते हैं मर्दों को कोई नहीं समझाता इतनी देर बैठी सुनती रही एक बार भी तुम्हारे मुंह से निकला कि बाबूजी जी ये कैसी बातें कर रहे हो तुम खुश हो रही होगी कि अच्छा हो रहा है इसकी दुर्गति हो रही है पूर्णा को यह अंतिम वाक बाण के समान लगा वो हक्की बक्की होकर सुमित्रा का मुंह ताकने लगी यद्यपि वो सदैव सुमित्रा को ठकुर सुहाती किया करती थी फिर भी वो ये जानती थी कि जिस दिन कमला प्रसाद साड़ियां लाए थे उसी दिन से सुमित्रा उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी है किंतु उस अवसर पर पूर्णा ने कमला प्रसाद का उपहार वापस करके अपनी समझ में संदेह को मिटा देने का सफल प्रयत्न किया था फिर आज सुमित्रा अकारण ही क्यों उस पर यो निर्दय प्रहार कर रही उसे फिर भ्रम हुआ कि कहीं सुमित्रा ने रात की बात जान तो नहीं ली वो भी तो राहत होकर दबी जबान से बोली बहन तुम्हारे मन में जो बात है वो साफ साफ कह दो मुझे नाथ को जलाकर क्या पाओगी अगर मेरा यहां रहना तुम्हें बुरा लगता है तो मैं आज ही मुंह में कालिक लगाकर यहां से चली जाऊंगी संसार में लाखों विधवाएं पड़ी हैं क्या सभी के रक्षक बैठे किसी भांति उनके दिन भी कटती ही है मेरे भी उसी भांति कट जाएंगे और फिर कहीं आश्रय नहीं है तो गंगा तो कहीं नहीं गई सुमित्रा ने भी पूर्णा के आहत हृदय पर फाह रखने की चेष्टा नहीं की और भी नाक से कोड़कर बोली मुझे तुम्हारा रहना क्यों बुरा लगेगा बहन क्या मेरी छाती पर बैठी हो ना मेरा घर ना मेरा द्वार ना मैं लेने में न देने में मैं क्यों बुरा मानने लगी मैं ही क्यों ना डूब मरूं कि सारा घर शांत हो जाए गांठ तो मैं हूं सारे घर का तो मेरे मारे नाक में दम है मैं ही सबकी आंखों में खटकती हूं पूर्णा ने ये बातें मानो सुनी ही नहीं बहुए पति से रू कर प्राय ऐसी बातें किया ही करती हैं ये कोई नई बात नहीं थी वो अपने ही को सुनाकर बोली मैं जानती थी कि अपने झोपड़े से पांव बाहर निकालना मेरे लिए बुरा होगा जानबूझकर मैंने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी मैं कमला प्रसाद बाबू की बातों में आ गई इतनी जग हसाई और भाग में लिखी थी सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा तो उन बाबू साहब ने तुम्हें कुछ नहीं कहा उसने अपना वाक समाप्त तो कर दिया पर मुख की चेष्टा से ज्ञात होता था कि वो और कुछ कहना चाहती है लेकिन किसी कारणवश नहीं कह रही है पूर्णा ने द्वार की ओर जाते हुए रूखे स्वर में कहा मेरे लिए जैसे कमला प्रसाद बाबू वैसी तुम सुमित्रा तो जाती कहां हो जरा बैठो तो पूर्णा नहीं बहन बैठने का प्रसाद पा गई अब जाने दो पूर्णा इधर अपने कमरे में आकर रोने लगी उधर सुमित्रा ने हारमोनियम पर गाना शुरू किया स्वारत का संसार ये गाना था या पूर्णा पर विजय पाने का आह्लाद पूर्णा को तो यह विजय गान से प्रतीत हुआ एक एक स्वर उसके हृदय पर एक एक शर के समान चोट कर रहा था क्या अब इस घर में उसका निर्वाह हो सकता है असंभव न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो इस घर में आई अपने उस झोपड़े में रहकर सिलाई करके या चक्की पीस कर क्या वो जीवन व्यतीत न कर सकती थी बेचारी बिल्लो अंत तक उसे समझाती रही पर भाग्य में तो धक्के खाने लिखे थे उसकी बात कैसे मानती पूर्णा का हृदय एक बार कमला प्रसाद से बातें करने के लिए व्याकुल हो वो उनके सामने स्पष्ट कह देना चाहती थी कि वो इस घर में नहीं रह सकती उनके सिवाय और किससे कहे लाला बद्री प्रसाद हंसकर टाल दे अम्मा समझेंगी कि ये मेरी बहू की बराबरी कर रही है अभी से चले जाने में कुशल है कहीं कोई दूसरा उपद्रव उठ खड़ा हो तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी न रहूं। सुमित्रा चाहे जो लाछन लगा दे दुनिया उसी की बात मानेगी पूर्ण रात ही से एकांत में रात के समय कमला प्रसाद के जाने पर पछता रही थी उन भले आदमी को भी उस समय चुहल करने की सूझ गई मगर वो साड़ी मुझ पर खूब खिल रही थी मुझे वहां जाना ही ना चाहिए था पर एक बार और उनसे मिलना होगा मैं द्वार पर खड़ी रहूंगी मुझे कमरे में जाने की जरूरत ही क्या है खड़े खड़े कह दूंगी बाबू अब मुझे आप जाने दीजिए और कहीं जगह नहीं है तो बाबू अमृत राय का आश्रम तो है दस पांच विधवाएं वहां रहती भी तो हैं मैं भी वहीं चली तो क्या हर्ज है वो समझाएंगे तो बहुत सुमित्रा को डांटने पर भी तैयार हो जाएंगे पर इस डांट डपट से और भी झमेला बढ़ेगा तरह तरह के संदेह लोगों के मन में पैदा होंगे अभी कम से कम लोगों को मुझ पर दया आती है फिर तो कोई बात भी न पूछेगा विधवा को कुल्टा बनते कितनी देर लगती है दिन भर पूर्णा मन मारे बैठी रही किसी काम में जीना लगता था इच्छा न रहते हुए भी भोजन करने गई भय हुआ कि कहीं सुमित्रा आकर जली कटी न सुनाने लगे जैसे तैसे किसी तरह दिन कटा रात आई सुमित्रा ने सरे शाम ही से किवाड़ बंद कर लिए भोजन करने के बाद अच्छी तरह सोता पड़ गया तो पूर्णा ने दबे पांव कमला प्रसाद के द्वार पर आकर धीरे से पुकारा कमला प्रसाद अभी अभी सिनेमा से, से लौटा था लपक केवाड़ खोल दिए और बोला आवाह पूर्णा तुम्हें देखने के लिए जी व्याकुल हो रहा था पूर्णा ने द्वार पर खड़े खड़े कहा मेरा वहां आने का कोई काम नहीं मैं केवल आपसे विदा मांगने आई हूं इस घर में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता आखिर मैं भी तो आदमी हूं कहां तक सबका मुंह ताकू और किस किसकी खुशामद करूं कमला प्रसाद ने द्वार पर आकर कहा अंदर तो आओ तुम तो इस तरह खड़ी हो मानो चपत मार कर भाग जाओगी जरा शांत होकर बैठो तो सुनू क्या बात है इस घर में कौन है जो तुम्हें आधी बात भी कहने का साहस कर सकता है अपना और उसका खून कर दूंगा मगर अंदर तो आओ पूर्णा मेरे अंदर आने की जरूरत नहीं यू ही ताने मिल रहे हैं फिर तो ना जाने क्या कलंक लग जाएगा कमला प्रसाद ने त्योरिया चढ़ाकर कहा किसने ताना दिया सुमित्रा ने पूर्णा किसी ने दिया हो आपका पूछना और मेरा कहना दोनों व्यर्थ है ताने वाली बात हो गई तो सभी ताने देंगे आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते केले के लिए तो ठीक भी छुरी बन जाता है। सबसे अच्छा यही है कि मैं यहां से चली जाऊं आप लोगों ने मेरा मेरा इतने दिन पालन किया। इसके लिए एक-एक आप लोगों का जस गाय जाना चाहती हो कहीं ना कहीं ठिकाना लग ही जाएगा और कुछ ना होगा तो गंगा जी तो है ही तो पहले मुझे थोड़ा सा संख्या देती जाओ पूर्णा ने तिरस्कार के भाव से देखकर कहा कैसी बात मुंह से निकालते हो बाबूजी? जी मेरा प्राण भी आप लोगों के काम आए तो मुझे उसको देने में आनंद मिलेगा लेकिन बात बढ़ती जाती है और आगे चलकर ना जाने और कितनी बढ़े इसलिए मेरा यहां से जाना ही अच्छा है कमला प्रसाद ने पूर्णा का हाथ पकड़कर बलात् अंदर खींच लिया और द्वार बंद करता हुआ बोला हाँ अब कहो क्या कहती हो सुमित्रा ने तुम्हें कुछ कहा है पूर्णा द्वार से चिपकी हुई बोली पहले द्वार खोल दो तो मैं बताऊं क्यों व्यर्थ मेरा जीवन नष्ट कर रहे हो खोल दूंगा ऐसी जल्दी क्या है पानी में भी तो भीग नहीं रही हो या मैं कोई हवा हूं अगर सुमित्रा ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं कल ही उसे घर से निकाल बाहर करूंगा और फिर कभी मुंह न देखूंगा देखो पूर्णा अगर तुमने द्वार खोला तो पछताओगी सच कहता हूं छाती में छुरी मार लूंगा छह महीने हुए जब मैंने तुम्हें पहले पहल देखा तब से मेरे चित्त की जो दशा हो रही है वो तुम नहीं जान सकती इतने दिनों किसी तरह सब्र किया पर अब सब्र नहीं होता खैर जब तब दर्शन हो जाते थे जिससे हृदय को कुछ ढांडस होता था अब तुम यहां से जाने की बात कहती हो तुम्हारा यहां से जाना मेरे शरीर से प्राणों का जाना है मैं तुम्हें रोक नहीं सकता तुम्हें रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है संसार विवाह के स्वांग को तो सोलहों आने अधिकार दे देता है पर प्रेम को जो ईश्वर का स्वरूप है रत्ती भर भी अधिकार नहीं देता जाओ मगर कल ही सुनोगी कि कमला प्रसाद इस संसार से कूच कर गया पूर्णा का इस प्रेम दर्शन से घोर असमंजस में पड़ गया गया उसका एक हाथ के की पर था वो वो आप आप ही के पास से हट स्वयं एक कदम आगे बढ़ाई उसकी दशा उस मनुष्य की सी हो गई जिसने अनजाने में किसी बालक का पैर कुचल दिया हो और जो उसे वेदना से छटपटाते देख जल्दी से दौड़कर उसे गोद में उठा ले कमला प्रसाद जिस दिन साड़ी लाए थे उसी दिन से पूर्णा को कुछ शंका हो गई थी पर उसने पुरुषों का विनोद समझ लिया था अतएव इस समय ये प्रेमा लाभ सुनकर अभयभीत हो गई घबराई हुई आवाज से बोली ऐसी बातें ना करो बाबू जी फिरा लोक और परलोक मत बिगाड़ो फिर मैं सचमुच मरने थोड़ी ही जा रही हूँ कहीं ना कहीं तो रहूंगी कभी कभी आती रहूंगी मगर इस समय मुझे जाने दो मेरी बदनामी से क्या तुम्हें दुख ना होगा कमला प्रसाद पूर्णा नेकनामी और बदनामी सब ढकोसला है प्रेम ईश्वर की प्रेरणा है उसको स्वीकार करना पाप नहीं उसका अनादर करना पाप है मुझे ईश्वर ने धन दिया है एक से एक रूपवती स्त्रियों को नित्य देखता हूं धन के बल से जिसे चाहूं अपनी वासना का शिकार बना सकता हूं पर आज तक एक कसम ले लो जो किसी की ओर आंख उठाकर भी देखा हो मेरे मित्र लोग मुझे बूढ़ा बाबा कहा करते हैं सुमित्रा को आए तीन साल हो गए पर उसे कभी मैंने प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा मगर तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया ऐसा जान पड़ा मानो तुम मेरे हृदय मंदिर में बहुत दिनों से बैठी मगर मैं के इस वेदना का रहस्य समझ सकता था बस जैसे कोई भूली बात याद आ जाए अब जितना चाहता हूं कि तुम भूल जाओ मन को दूसरी ओर फेरना चाहता हूं पर कोई बस नहीं चलता यही समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर है ये कहते कहते कमला प्रसाद का गला भराया उसने रूमाल निकालकर आंखें पोंछी मानो उनमें आंसू छलक रहे हैं पूर्णा पाषाण प्रतिमा की भांति निस्पंद खड़ी थी उसकी सारी बुद्धि सारी चेतना सारी आत्मा मानो उमड़ती हुई लहरों में बही जा रही हो और कोई उसकी आर्त ध्वनि पर कान न देता हो मनुष्य पशु पक्षी तट के वृक्ष और बस्तियां सब भागी जाती हो उससे दूर कोसो दूर वो खड़ी न रह सकी भूमि पर बैठकर उसने एक ठंडी सांस ली और फूट फूट कर रोने लगी कमला प्रसाद ने समीप जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और गला साफ करके बोला पूर्ण तुम जिस संकट में हो मैं उसे जानता हूं लेकिन सोचो एक जीवन का मूल्य क्या एक पूर्व स्मृति के बराबर भी नहीं मैं तुम्हारी पति भक्ति के आदर्श को समझता हूं अपने स्वामी से तुम्हें कितना प्रेम था यह देख चुका हूं उन्हें तुमसे कितना प्रेम था यह भी देख चुका हूं अक्सर पार्क में हरी भरी घास पर लेटे हुए वो घंटों तुम्हारा कीर्तिगान किया करते थे तुम्हारे चरणों पर सिर रख कर रोता सुमित्रा से दिन दिन घृणा होती जाती थी ये उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो फूलने और फलने के लिए विकल हो रहा है पूर्णा ने सिसकते हुए कहा बाबूजी तुम्हारे पैरों पड़ती मुझे जाने दो मेरा जी अचानक क्यों घबरा रहा कमला प्रसाद ने सिर ठोक कर कहा हाय फिर वही बात है। अच्छी बात है जाओ एक बार भी बैठने को ना कहूंगा पूर्णा ज्यो की त्यों बैठी रही उसे किसी भीषण परिणाम की शंका हो रही कमला प्रसाद ने कहा अब जाती क्यों नहीं मैंने तुम्हें बांध तो नहीं लिया है पूर्णा ने कमला प्रसाद की ओर कातर नेत्रों से देखा और सिर झुका कर कहा वायदा करते हो कि अपने प्राणों की रक्षा करते रहो कमला प्रसाद ने उदासीन भाव से कहा तुम्हें मेरे प्राणों की रक्षा की क्या परवाह जिस तरह तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ जोर नहीं है उसी तरह मेरे ऊपर भी तुम्हारा कोई जोर नहीं है या तो मैं भूल ही जाऊंगा या प्राणों का अंत ही करूंगा मगर इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है जी में आए जरा सा शोक कर लेना नहीं वो भी ना करना मैं तुमसे गिला करने ना आऊंगा पूर्णा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा तो इस तरह तुम्हें न जाऊंगी कमला प्रसाद इसका आशय यह हुआ कि तुम मुझे न जीने दोगी न मरने तुम्हारी इच्छा है सदैव तड़पता रहू यह दशा मुझसे न सही जाएगी तुम जाकर आराम से लेटो और मेरी चिंता छोड़ दो मगर नहीं ये मेरी भूल है जो मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे प्राणों की चिंता से मुझसे ये वायदा करा रही हो ये केवल भिखारी को मीठे शब्दों में जवाब देने का एक ढंग है हाँ वायदा करता हूं कि अपने प्राणों की रक्षा करता रहूंगा उसी तरह है जैसे तुम मेरे प्राणों की रक्षा करती हो यह वायदा मैंने ही मानती सच्चा वायदा करो तो प्रिय ये गांठ बांध लो कि कमला प्रसाद विरह वेदना सहने के लिए जीवित नहीं रह सकता पूर्णा ने करुण स्वर में कहा बाबू तुमने मुझे बड़े संकट में फंसा दिया तुम मुझे माया जाल में फंसा कर मेरा सर्वनाश करने पर तुले हुए मेरा कर्तव्य ज्ञान नष्ट हुआ जाता है तुमने मुझ पर मोहनी मंत्र सा डाल दिया कमला प्रसाद ने आवेश में आकर कहा अच्छा आप चुप रहो पूर्ण ऐसी बातों से मुझे मानसिक कष्ट हो रहा तुम समझ रही हो कि मैं अपनी नीच वासना की तृप्ति के लिए तुम्हें माया जाल में फंसा रहा हूं ये तुम मेरे साथ घोर अन्याय कर रही हो तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि यह माया जाल नहीं शुद्ध आत्मसमर्पण है यदि इसका प्रमाण चाहती हो तो ये लो ये कहकर कमला प्रसाद ने खूटी पर लटकी हुई तलवार उतार ली और उसे खींचकर बोला लाश को सामने फड़कते देखकर निश्चय कर लेना

कि अपने प्रेम की सत्यता का प्रमाण देते हुए तुम्हारे सामने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं पूर्णा ने तलवार को म्यान में रखते हुए कहा तुम इसी तलवार से मेरे जीवन का अंत कर सकते तो कितना अच्छा होता मुझे विश्वास है कि मैं जरा भी न झिझकती सिर झुकाए खड़ी रहती ये वाक के कुटिल कमला प्रसाद के हृदय में चुभ गया एक क्षण के लिए उसे अपनी नीचता पर ग्लानि आ गई गदगद कंठ से बोला अगर ब्रह्मा ने भी मेरे हाथों तुम्हारी हत्या लिखी होती अगर उस हत्या के पुरस्कार में मुझे त्रिलोक का राज्य स्वर्ग की सारी अप्सराएं और देवताओं की सारी विभूतियां मिलती होती तो भी मैं तुम्हारे पवित्र शरीर से रक्त की एक बूंद भी न बहा सकता यदि मेरी आत्मा कलुषित हो जाती तो भी मेरा हाथ तलवार न पकड़ सकता तुमने इस समय बड़ी कड़ी बात कह डाली पूर्णा जरा मेरी छाती पर हाथ रखकर देखो कैसी धड़क रही है एक पान बनाकर खिला दो इसी की याद करके दिल शांत करूंगा पूर्णा ने पान के दो बीड़े बनाकर कमला प्रसाद को देने के लिए हाथ बढ़ाया कमला प्रसाद ने पान लेकर कहा भोजन के बाद कुछ दक्षिणा मिलनी चाहिए पूर्णा ने विनोद करके कहा प्रेमा होती तो उनसे कुछ दक्षिणा दिला देती जब आएगी तब दिला दूंगी कमला प्रसाद पान बढ़ाता हुआ बोला मेरी दक्षिणा यही है कि यही बीड़े मेरे हाथ से खा लो पूर्णा ना मैं ऐसी दक्षिणा नहीं लेती तुम्हारी कौन चलाए बीड़ों पर कोई मंत्र फूंक दिया हो पुरुष इस विद्या में भी निपुण होते हैं मैं पक्का इरादा करके आई थी कि द्वार पर खड़ी खड़ी तुमसे यहां से जाने की बात करके चली आऊंगी पर तुमने कुछ ऐसा मंत्र मारा कि सब कुछ भूल गई कमला प्रसाद ने बीड़े उसके मुंह के समीप ले जाकर कहा मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा मेरे हाथ में दे दो जी नहीं गुरुजी ने मुझे ये पाठ नहीं पढ़ाया है कोई शरारत तो ना करोगे पूर्णा ने मुंह खोल दिया और कमला प्रसाद ने उसे पान खिला दिया पूर्णा की छाती धक धक कर रही थी कमला प्रसाद कहीं कोई नटखटी न कर बैठे मगर कमला प्रसाद इतना बेशऊर न था कि समीप आते हुए शिकार को दूर से ही चौंका देता उसने पान खिला दिया और चारपाई पर बैठकर बोला अब यहां से कहीं जाने का नाम मत लेना सारा जमाना छूट जाए पर तुम मुझसे नहीं छूट सकती जीवन भर के लिए यही घर तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा दास हूं जिस दिन तुमने यहां से जाने का नाम लिया उसी दिन मैंने किसी तरफ का रास्ता लिया पूर्णा ने एक क्षण तक विचार करने के बाद तीक्ष्ण स्वर में कहा इसका नतीजा क्या होगा बाबूजी? मेरी समझ में कुछ नहीं आता चोरी छिपे का धंधा कब तक चलेगा आखिर एक दिन तुम्हारा मन मुझसे फिर जाएगा समझने लगोगे ये कहाँ का रोग मैंने पाला तब मेरी क्या गति होगी सोचो कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा ऐसी शंकाओं को मन में न आने प्रिय आखिर विवाहता ही क्या पुरुष को जंजीर से बांध रखती है वहां भी तो पुरुष वचन ही का पालन करता है जो वचन का पालन नहीं करना चाहता क्या विवाह उसे किसी तरह मजबूर कर सकता है सुमित्रा मेरी विवाहिता होकर ही क्या ज्यादा सुखी हो सकती है है तो मन मिले की बात है। जब विवाह के अवसर पर बिना जाने बूझे कहीं जाने वाली बात का इतना महत्व है तो क्या प्रेम से भरे हृदय से निकलने वाली बात का कोई महत्व ही नहीं जरा सोचो आदमी जीवन में सुख ही तो चाहता है या और कुछ फिर जिस प्राणी के साथ उसका जीवन सुखमय हो रहा है उसे वो कैसे छोड़ सकता है उसके साथ कैसे निठुरता या कपट कर सकता है पूर्णा ने कोमल आपत्ति के भाव से कहा विवाह की बात और होती है बाबू मैं ऐसी नादान नहीं हूं कमला प्रसाद ने मुस्कुरा कहा नहीं तुम भला नादान हो सकते हो राम राम तुम वेद शास्त्र सभी घोटे बैठी हो अच्छा बताओ विवाह क्या प्रकार के होते हैं विवाह क्या प्रकार के होते हैं इसका मतलब क्या बड़ी बुद्धिमती हो तो इसका मतलब समझो क्या विवाह भी कई तरह के होते हैं हमने तो एक ही तरह का विवाह सब जगह देखा है कमला प्रसाद ने विवाह के साथ भेद बताए किस समय में कौन प्रथा प्रचलित थी उसके बाद कौन सी प्रथा चली और वर्तमान समय में किन किन प्रथाओं का रिवाज है ये सारी कथा बहुत ही बेसिर पैर की बातों के साथ कौतूहल मग्न पूर्णा से कह सुनाई स्मृतियों का धुरंधर ज्ञाता भी इतने संदेह रहित भाव से इस विषय की चर्चा न कर सकता पूर्णा ने कहा तो गंधर्व विवाह अभी तक होता है हाँ यूरोप में इसका बहुत रिवाज है मुसलमानों में भी है इस देश में भी पहले था पर एक कानून के अनुसार फिर इसका रिवाज हो रहा है इस विवाह में क्या होता है कुछ नहीं स्त्री पुरुष एक दूसरे को वचन देते हैं बस विवाह हो जाता है माता पिता भाई बंधु पंडित पुरोहित किसी का काम नहीं हाँ वर और कन्या दोनों ही का बालिग हो जाना जरूरी है पूर्णा ने अविश्वास के भाव से कहा विवाह क्या लड़कों का खेल है कमला प्रसाद ने प्रतिवाद किया मेरी समझ में तो जिसे तुम विवाह समझ रही हो वही लड़कों का खेल है ढोल मजीरा बजा आतिशबाजियां छूटी और दो अबोध बालक जो विवाह का मर्म तक नहीं समझते एक दूसरे के गले जीवन पर्यंत के लिए मढ़ दिए गए सच पूछो तो यही लड़कों का खेल है पूर्णा ने फिर शंका की दुनिया तो इस विवाह को मानती नहीं कमला प्रसाद ने उत्तेजित होकर कहा दुनिया अंधी है उसके सारे व्यापार उल्टे हैं मैं ऐसी दुनिया की परवाह नहीं करता मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि वो रो रो कर जिंदगी के दिन काटे। केवल इसलिए कि दुनिया ऐसा चाहती है साधारण कामों में जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम उसे तुरंत सुधारते हैं तब जीवन को हम क्यों एक भूल के पीछे नष्ट कर दें अगर आज किसी देवी बाधा से ये मकान गिर पड़े तो हम कल ही इसे बनाना शुरू कर देंगे मगर जब किसी अबला के जीवन पर देवी आघात हो जाता है तो उससे आशा की जाती है कि वो सदैव उसके नाम को रोती रहे ये कितना बड़ा अन्याय है पुरुषों ने ये विधान केवल अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किया है बस इसका और कोई अर्थ नहीं जिसने ये व्यवस्था की वो चाहे देवता हो या ऋषि अथवा महात्मा मैं उसे मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु समझता हूं स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म की पख लगा दी पुनः संस्कार होता तो इतनी अनाथ स्त्रियां उसके पंजे में कैसे फंसती बस यही सारा रहस्य है न्याय तो हम तब समझते जब पुरुषों को भी यही निषेध होता पूर्णा बोली स्मृति या पुरुषों की बनाई हुई तो होंगी ही और क्या धूर्तों का पाखंड है अच्छा तब तुम बाबू अमृत राय को क्यों बदनाम करते हो केवल इसलिए कि उनका चरित्र अच्छा नहीं वो विवाह बंधन में न पड़कर छूटे साढ़ बने रहना चाहते हैं उनका विधवा आश्रम केवल उनका भोगालय होगा इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं यदि वो विधवा से विवाह करना चाहते हैं तो देश में विधवाओं की कमी है पर वो विवाह न करेंगे बाजे आदमियों को टट्टी की आड़ से शिकार खेलने में ही मजा आता है मगर ईश्वर ने चाहा तो उनका आश्रम बनकर तैयार ना हो सकेगा सारे शहर में उन्हें कौणी भर मदद न मिलेगी घड़ी की ओर देखकर अरे दो बज रहे अब विलंब नहीं करना चाहिए आओ उस दीपक के सामने ईश्वर को साक्षी करके हम शपथ खाएं कि जीवन पर्यंत हम पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे पूर्णा का मुख विवरण हो गया ओठ खड़ी हुई और बोली अभी नहीं बाबूजी साल भर नहीं तब तक सोच लो मैं भी सोच लू जल्दी क्या है यह कहती हुई वो किवाड़ खोलकर तेजी से बाहर निकल गई और कमला प्रसाद खड़े ताकते रह गए चिड़ियादाना चुकते चुकते समीप आ गई थी पर पड़े ही शिकारी ने हाथ चलाया वो फुर से उड़ गई मगर क्या वो सदैव शिकारी के प्रलोभनों से बचती रहेगी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा के ग्यारहवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में